अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बनाने जा रही हूँ आज अरबी बैंगन की रेसिपी। अरबी को छील के नमक लगा के मैंने वॉश कर लिया है। बैंगन भी मैंने काट के तो पानी में डिप कर दिए हैं। अगर आप इसको पानी में डिप नहीं करेंगे तो ये काले हो जाएंगे। अरबी आपको लेनी है इस तरह की छिलकों वाली। छिलके के बगैर जो अरबी बनती है वो अच्छी नहीं बनती, इसलिए कोशिश करें कि आप इस तरह की अरबी खरीदें। और इसमें जाएगा जी एक मीडियम साइज़ प्याज, दो टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और चंद बेसिक मसाले। तो मैंने पैन में घी चढ़ा दिया है। तो अब शुरू करते हैं अपनी आगे की रेसिपी। इसमें शामिल कर दूंगी मैं अपना प्याज और इसको लाइट गोल्डन कर लूंगी अच्छे तरीके से। साथ ही मैं शामिल कर दूंगी अपना अदरक लहसुन। लहसुन मैंने पीसा हुआ है और अदरक को मैंने चॉप किया हुआ छोटा छोटा। मुंह में इसके चंक्स आए तो अच्छे लगते हैं। और साथ ही इसके मैं अपनी अरबी शामिल कर दूंगी। इसको मैंने फ्राई करना है अदरक लहसुन और प्याज के साथ इसका कलर चेंज होने तक। और वैसे भी अरबी गलने में थोड़ा टाइम लेती है, इस तरह से ये हाफ डन हो जाएगी मसाला भुनने तक। अरबी डालने के बाद इसके छींटे बहुत ज़्यादा उठते हैं क्योंकि इसमें पानी और मॉइस्चर होता है, इसलिए इसका ढक्कन इस तरह हाफ रख के तो फिर आप इसको फ्राई कर लें जी। ये देखिए व्यूअर्स, अरबी मेरी गोल्डन गोल्डन होना शुरू हो गई है। इस मौके पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी अपने दो मीडियम साइज़ के टमाटर जो मैंने चॉप करके रखे थे और इसको भी दो मिनट तक भून लूँगी इसके साथ। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक हाफ टी स्पून, क्योंकि अरबी को ऑलरेडी नमक लगा हुआ था इसलिए कम शामिल करेंगे, एक टी स्पून के करीब। लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, एक टीस्पून भर के पिसा धनिया और एक टेबलस्पून के करीब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी बस। और इसको दो मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। इस तरह दम पे लगाने से ये तकरीबन हाफ डन हो जाएगी, फिर हम इसमें बैंगन शामिल करेंगे। अभी दो मिनट दम पे लगाने के बाद इसमें मैं शामिल कर दूँगी दो हरी मिर्चें और एक मिनट के लिए इसको इन हरी मिर्चों के साथ फिर से भून। अब इसमें बैंगन शामिल कर दूँगी। बैंगन को मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ था तो इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी है, तो इसको मैं अब फिर दो से तीन मिनट दम पे लगा दूंगी ताकि बैंगन अपना पानी रिलीज़ कर। सब्जियों में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, इनको इन्हीं के पानी के अंदर पकाने की कोशिश करें। बैंगन और अरबी को बीच बीच में थोड़ा सा हिलाते रहें, दो से तीन बार हिलाने में ही ये गल जाएंगे क्योंकि बैंगन बहुत कम टाइम देते हैं गलने में और अरबी हमारी ऑलरेडी हाफ कुक हो चुकी हुई है। पाँच मिनट दम लगाने के बाद ये देखें बैंगनों में कितना सारा पानी था जो वो रिलीज़ कर चुके हैं। अब इसी पानी में मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और मेरी सब्ज़ी बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगी अच्छी सी जी। वेलकम बैक, दम मैंने खोल लिया है, अब हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह अरबी बहुत अच्छे से गल गई है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरा धनिया। और एक टीस्पून गरम मसाला। मैं इसको कर लूँगी डिश आउट जी। मेरे अरबी बैंगन की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप देखिए कितना अच्छा और शानदार इसका कलर आया है। आप इसको अपने घरों में बनाइए और मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।